सभी को नमस्कार। आज अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करेंगे। अपना लॉ वाला सेक्शन चल रहा है, शायद आप लोगों के समझ में आ ही रहा होगा। और जितना अपन पढ़ रहे हैं, देखिए उसका आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी है। कैसे आंसर राइटिंग करनी है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने पिछला एक्ट एक पढ़ा है, उसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा। ये वाला एक्ट अपन ने डिस्कस किया है। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले इस एक्ट को ठीक से याद करना है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये वाला अधिनियम 2005 में आया है, और आपको पता है कि ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू कर दिया गया। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं और 37 इसमें धाराएं हैं, बताया मैंने आपको पिछली क्लास में। अब आपको करना क्या है, इस एक्ट को याद करके और एक जैसा भी आपके पास कॉपी है उसमें लिखिए कि महिलाओं के लिए जो अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान है। रेंडम लिखिए, भी रेंडम से शुरुआत कीजिए। आपके कुछ पॉइंट याद आएंगे, कुछ याद नहीं आएंगे, 5 4 याद आएंगे, बाकी सारे भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। उससे आपको करना है कि जैसे इस अधिनियम में 5 याद करवाया था और 37 इसमें धाराएं हैं, जितना आपकी याद आ रहा उतना याद कर लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार आपने अगर लिख लिया है उसके बाद वापस से उसको पलट के देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। शुरुआत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका टारगेट मेंस में अच्छे स्कोर करना है, और मेंस में अच्छा स्कोर तभी हो पाएगा जब आप जितना पढ़े उसको अच्छे से रिटेन करें, अपने माइंड में बार बार रिवीजन करें और उसकी आंसर राइटिंग जरूर करें, क्योंकि एक ही चाबी है आंसर राइटिंग। आपको मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे और उनका मैं वीडियो में सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। जैसे अपन जो टॉपिक अपन कर रहे हैं उसके क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद में उसके मॉडल आंसर, मॉडल आंसर के बाद में वापस से मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ में। स्थायी हो जाएगा आपके दिमाग में, थोड़ा सा प्रयास आप भी कीजिए। इस वाले अधिनियम को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कुछ पिक्चर क्लियर हो। 10 मिनट लगेंगे अपन को ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करने में, पर रिवीजन ज़रूरी है। ये आपको पता है कि महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा जो अधिनियम है, ये अधिनियम 2005 में लाया गया और इसमें 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू कर दिया गया, और इसमें 5 चैप्टर हैं टोटल और 37 धाराएं हैं। पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और 5। देखिए पहला और आखिरी नहीं याद करें तो चल जाएगा, जबकि मैं तो आपको ये वापस बोलूंगा कि अगर कोई सा भी चैप्टर आप याद नहीं करें तो भी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं एग्जाम में याद करने की इसको। क्योंकि जब तक आप मेंस देने जाएंगे तब तक इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि वहां पे चैप्टर याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। इसमें बताया था कि प्रारंभिक है, इसमें ज्यादा कुछ खास बात नहीं बताई मैंने आपको। ये इनिशियल है, यहाँ पे एक से लगा के दो, एक और दो, यहाँ पे दो धाराएं लिखी गई हैं। जो दूसरा चैप्टर है वो घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है। घरेलू हिंसा में धारा नंबर 3 है, धारा 3 घरेलू हिंसा लिखा हुआ है। इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेवा प्रदाता के बारे में है और संरक्षण अधिकारी के बारे में। सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी, 4 से लगा के 11 तक मैंने बताया था, याद आ रहा होगा धीरे धीरे। और उसके बाद में अध्याय जो 4 है, इसमें आपको मैंने बताया था राहत की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार राहत मिलेगी, 12 से लगा के 29 तक है। और अंतिम जो चैप्टर है उसका नाम विविध है, और विविध में बहुत सारी चीजें हैं, 30 से लेकर 37 तक है। याद हो गया आप लोगों के, वीडियो वापस बैक कर लीजिए। आप जितनी देर में खुद से रिवाइज करेंगे उतने में मैं भी रिवाइज करवा दूंगा, तो आप इसको वीडियो को अगर वापस से सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बेसिक हो गया। अब अगर कोई मुझे पूछे कि इसको याद करना है क्या, ना बिल्कुल याद नहीं करना है। देखिए अभी तक जो RS मेंस लगा, देखिए 2013 का जो मेंस लगा, 2013 RS का, उसमें लो सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए उसको तो पेपर को छोड़िए। 2016 का मेंस, फिर 2018 का मेंस, 2021 का मेंस, 16 में 2 बार मेंस लगा था, एक स्पेशल मेंस लगा था कुछ बच्चों का, तो उसके पेपर, तो 2016 के 2 पेपर हो गए, एक 18 का पेपर हो गया,
एक 21 का पेपर हो गया, चार पेपर हैं आर एस के। उन चारों पेपर का जब एनालिसिस करते हैं पेपर थर्ड में लो वाले सेक्शन का, तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर का फोकस परिभाषा पूछने पर होता है। घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, व्यथित महिला किसे कहा जाता है, उत्पीड़ित महिला कौन है, और घरेलू हिंसा से संबंधित घरेलू नातेदारी क्या है। उसके बाद में आपको ये पूछ सकता है कि घरेलू संबंध जिसको नातेदारी, उसके बाद में अब ये संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, सेवा प्रदाता क्या है। इम्पोर्टेंट तो है, पर अगर आप पहले पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं तो आपका आधा काम हो जाता है। ऐसे ही जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बाद अगर अपन देखें पोस्ट को ऐड देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें देखेंगे बालक की परिभाषा पूछ लेगा वो, लैंगिक अपराध से क्या अभिप्रेत है उसके बारे में पूछ लेगा आपको। अगर अपन लैंड वाले एक्ट देखेंगे तो नजूल भूमि किसे कहा जाता है उसके बारे में पूछ लेगा। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको वहां पे समझ में आएगी बात कि एग्जामिनर का ज्यादा फोकस किस पर रहता है, परिभाषा वाले सेक्शन पे ज्यादा रहता है। तो अगर आप इस सेक्शन को ठीक से मैनेज करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन ठीक करके लेके जाएंगे। फिर मैंने इसमें बताया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपन ने देखा था कि सबसे पहले व्यथित महिला क्या होती है, व्यथित महिला, व्यथित महिला। अब व्यथित महिला से फिर दो चीजें निकल कर आ जाएंगी, कुछ याद करने का प्रयास कीजिए। व्यथित महिला का मतलब भी है कि ऐसी महिला जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो, घरेलू हिंसा की। और दूसरा जो भी प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी मैंने कहा कि आरोपी को प्रत्यर्थी भी लिख सकते हैं, जो भी प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी के साथ उसके घरेलू नातेदारी हो, घरेलू नातेदारी या घरेलू संबंध। आप एग्जाम में कुछ इससे याद रखे या नहीं रखे, इस अधिनियम से तीन पॉइंट जरूर याद रखने, एक घरेलू हिंसा की परिभाषा, एक व्यथित महिला की परिभाषा और एक घरेलू नातेदारी की परिभाषा, ये जरूर याद करके जानी है परीक्षा में। तो घटना कौन सी, घरेलू हिंसा की घटना, घरेलू हिंसा। अब घरेलू नातेदारी का अगर परिभाषा आपको याद रखनी है तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ सांझी गृहस्थी में एक घर में रहते हों, उनके बीच घरेलू नातेदारी होती है। याद कीजिए जिस प्रकार ये लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा यूज करना है एग्जाम में, क्योंकि बहुत लिमिटेड याद करना है इस पेपर में और अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आपको मैंने बताया घरेलू नातेदारी का क्या अर्थ है, घरेलू नातेदारी से आप क्या अभिप्रेत लिखता है एग्जाम में, अभिप्रेत, अभिप्रेत, घरेलू नातेदारी से क्या अभिप्रेत है, तो आप क्या लिखेंगे कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच जो साझी गृहस्थी में घर में रहते हैं उनके बीच घरेलू नातेदारी होती है। अब एक घर में रहेंगे तो क्या क्या संबंध हो सकता है, उनके बीच में विवाह का संबंध हो सकता है, उनके बीच में कुटुंब का संबंध हो सकता है, उनके बीच में रक्त संबंध हो सकता है, उनके बीच में कोई दत्तक गोद का संबंध हो सकता है, कोई भी संबंध हो सकता है। फिर मैंने आपको स्पष्टीकरण क्या बताया था कि इस अधिनियम के तहत आरोपी तो कोई भी हो सकता है, आरोपी पुरुष भी हो सकता है, आरोपी महिला भी हो सकती है और आरोपी कोई अवयस्क भी हो सकता है। ये इसका फिर अपन जब एनालिसिस करेंगे आगे कि इस अधिनियम के पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष, तो वहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं सब, इसमें जो अवयस्क है उसको भी आरोपी बनाया जाता है, इसका मिसयूज कर लिया जाता है, उसके बाद में करेंगे अपन। एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा मेंस में लिखने के लिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिखिए 50 शब्द में, वहां पे अपन देखेंगे इसको। तो घरेलू नातेदारी समझ में आ गई, फिर आपको याद रखना कि घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि साहब घरेलू हिंसा का मतलब ये होता है कि किसी महिला के साथ में शारीरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, लैंगिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, मौखिक हो सकता है, इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना। अर्थात शारीरिक में क्या आएगा, उसके जीवन को नुकसान पहुंचाना, शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना, उसकी सुरक्षा को खतरा हो, अनुचित मांग के लिए डराना धमकाना। दूसरी बात लैंगिक में क्या आएगा, लैंगिक में आएगा कि महिला के साथ में ऐसा यौन कृत्य करना जो पहले तो उनकी डिग्निटी के खिलाफ हो और दूसरा उनकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित करना। किस में आएगा ये, लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। आर्थिक उत्पीड़न में क्या आएगा, याद रखना आपको आर्थिक उत्पीड़न में आएगा कि महिला को जो परिवार के अन्य सदस्यों को सुविधा मिल रही है उनसे वंचित कर देना। दूसरी बात महिला की स्थावर और जंगम संपत्ति जो भी है उस संपत्ति का उपभोग नहीं करने देना। अगला है कि महिला का स्त्री धन, जो स्त्री धन का मतलब होता है कि शादी के समय महिला को जो गिफ्ट मिलते हैं
पियर पक्ष से भी और ससुराल पक्ष से भी उसका स्त्रीधन कहलाता है। उसका जैसे मान लो फ्रीज के लॉक लगा दिया, कूलर नहीं चलाने दे रहे हैं, या गाड़ी है तो गाड़ी का यूज नहीं करने दे रहे हैं, तो स्त्रीधन से छीन लेना महिला से। एक और भी हो सकता है इसमें कि जैसे मान लो महिला जॉब करती है और महिला की जो मासिक सैलरी आती है उसका उसको उपभोग नहीं करने देना, ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण है। और ये दहेज का जो मुकदमा लगता है 1961 के तहत, वो इसी से प्रूव होता है कि किस प्रकार का आर्थिक हिंसा किस प्रकार की हुई है। मौखिक में मैंने आपको बताया कि महिला को डांटना फटकारना पहली बात तो, दूसरा ये कि महिला के अगर संतान नहीं है तो संतान के लिए उसको ताने मारना। अगली बात यह कि मान लेते हैं कि महिला के अगर लड़का नहीं है तो लड़के के लिए उसको बार बार तंग करना, परेशान करना। ये हो गया साहब अपने घरेलू हिंसा के बारे में, घरेलू नातेदारी के बारे में, और व्यथित महिला के बारे में क्लियर हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस प्रकार की घटना घटित हो गई महिला के साथ में, तो फिर महिला के पास में क्या क्या ऑप्शन है। तो फिर थोड़ा आगे मैंने आपको बताया कि महिला शिकायत कर सकती है। शिकायत कहाँ कहाँ पे कर सकती है? महिला शिकायत पुलिस के पास में कर सकती है, शिकायत मजिस्ट्रेट साहब के पास में की जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिकायत आप संरक्षण अधिकारी के पास भी कर दें, या धारा को संरक्षण अधिकारी। यस, अब दो पॉइंट आपको और क्लियर करने यहाँ पे, एक संरक्षण अधिकारी का, एक सेवा प्रदाता का। वापस मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संरक्षण अधिकारी जो है धारा 8 और 9 के तहत संरक्षण अधिकारी की प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, हो सके वहां पर महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा, ये संरक्षण जो अधिकारी है, आपको एग्जाम में मेंस में 50 वर्ड में लिखना आ सकता है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य लिखिए। तो संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या क्या होंगे? महिला को चिकित्सा सहायता अवेलेबल करवाना, महिला को आवास अवेलेबल करवाना, उपलब्ध करवाना, महिला को कानूनी सहायता देना, मजिस्ट्रेट साहब की मदद करना, महिला अगर रिपोर्ट लिखना चाहती है तो थाने पर जाके उनकी मदद करना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करना, ये भी किसका कर्तव्य है? संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है। फिर मैंने सेवा प्रदाता बताया था कि धारा 10 में सेवा प्रदाता, क्योंकि संरक्षण अधिकारी एक जिले में एक होता है, इसलिए संभव नहीं हो पाता कि हर महिला तक वो पहुंचे और वहां तक मतलब हर महिला की मदद कर पाए। इसलिए कुछ एनजीओ और कुछ जो नॉन लाभ के लिए जो कंपनियां हैं, गैर लाभकारी कंपनियां, वो अपने आप को इस अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और अगर उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया तो वो सारे काम वो करेंगे जो संरक्षण अधिकारी करता है। आप सारे काम लिख देंगे वापस, महिला को चिकित्सा, आवास, कानूनी सहायता देना, मजिस्ट्रेट साहब को मदद हेल्प करना, महिला अगर FIR लिखवाना चाहती है तो FIR महिला के लिखवाना, चिकित्सा सहायता अवेलेबल करवाना, सारा कार्य। उसके बाद मैंने आपको बताया था शिकायत। अब पिछली बार RS में क्वेश्चन आया था 2018 में कि शिकायत कौन कर सकता है, तो मैंने आपको बताया कि या तो महिला स्वयं शिकायत कर सकती है, या महिला की तरफ से कोई अन्य भी शिकायत कर सकता है, या चाहे तो संरक्षण अधिकारी भी महिला की तरफ से शिकायत कर सकता है। क्लियर हो गया क्या? तो शिकायत कौन कर सकता है? स्वयं महिला कर सकती है, या फिर अगर कोई और कोई थर्ड पार्टी है जिसको पता है, आपके मान लीजिए कोई पड़ोस में रहता है, उसको पता है कि इस महिला के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, तो वो भी शिकायत कर सकते हैं, या फिर संरक्षण अधिकारी शिकायत कर सकते हैं महिला के माध्यम से, अगर महिला संरक्षण अधिकारी के पास जाते हैं तो। फिर आपको याद रखना कि शिकायत अगर महिला ने करी है तो 3 दिन में पहली सुनवाई मजिस्ट्रेट साहब को करनी पड़ेगी, 3 दिन में पहली सुनवाई होगी, और केस का जो निपटान होता है वो 60 दिन में जनरली कर दिया जाएगा। अगली बात ये याद रखने की सुनवाई के दौरान क्या क्या मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या आदेश दे सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि साहब मामला इतना संगीन नहीं है, ये केवल भावनात्मक लड़ाई है, ठीक हो जाएगी, ऐसा वाइफ हस्बैंड में नॉर्मल चलता रहता है, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो मामले की काउंसलिंग करवा सकते हैं, और महिला पुरुष को दोनों को काउंसलिंग के लिए भेज देंगे कि आप काउंसलिंग करवा के आइए। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि वो किसी एक्सपर्ट, जो साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके पास जाते हैं, या कहीं घूमने भेज देते हैं कि आप 10 दिन साथ रहिए, हो सकता है कि आपको इस प्रकार का कुछ नई फील हो और वापस आपकी जो बॉन्डिंग है वो ठीक हो जाए। लगता है मजिस्ट्रेट साहब को कि नहीं, ये मामला संगीन है और काउंसलिंग से पार नहीं पड़ेगी, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या आदेश दे सकते हैं, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आदेश मजिस्ट्रेट साहब संरक्षण का आदेश दे सकते हैं। संरक्षण आदेश का मतलब ये होता है कि जैसे ही मामला गया मजिस्ट्रेट साहब के पास में, वो आरोपी, जो भी आरोपी है, उसको ये कह देंगे कि अब आज के बाद आप महिला से संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। संपर्क का मतलब ना फोन कॉल करेंगे ना महिला से मिलेंगे। अगर महिला कहीं पे नौकरी करती है, कोई पेशा करती है, कहीं पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, जो भी काम करती है,
जिस एरिया में महिला काम करने जाती है उसके आसपास आप वहां नहीं जाएंगे। अगला, महिला के जो सगे संबंधी हैं उनको आपको डराना, धमकाना या किसी प्रकार का संपर्क नहीं करना है। आरोपी के बैंक के खाते, एटीएम आदि को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं दें या पैसे का मिसयूज कर लेंगे, पैसा निकाल के, कि उनको लगेगा कि तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। पहला आदेश कौन सा हो गया? संरक्षण का आदेश। दूसरा आदेश है निवास का आदेश। निवास के आदेश में मजिस्ट्रेट साहब ये आदेश दे सकते हैं कि जिस घर में महिला रहती है, जिस घर में महिला रहती है आरोपी के साथ में, उनके आधे आधे हिस्से किए जाएं। आधे हिस्से में महिला रहेगी, आधे हिस्से में पुरुष रहेंगे, जो भी आरोपी है या जो भी आरोपी के परिवार के लोग हैं। महिला चाहती है कि वो उस घर में नहीं रहे या आरोपी उनके साथ में नहीं रहे, तो मजिस्ट्रेट साहब आदेश दे सकते हैं कि आरोपी को घर खाली करना पड़ेगा और यहाँ पे महिला रहेगी। महिला चाहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं कोई दूसरी जगह बाहर किराए का रूम लेकर रहूंगी, तो फिर किराए का रूम के लिए जितना किराया लगेगा उतनी सुख सुविधाओं का घर वो महिला बाहर जाकर किराए का ले सकते हैं। इसका किराया आरोपी द्वारा दिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद में होता है कस्टडी का आदेश, कस्टडी का अभिरक्षा का आदेश। अभिरक्षा का आदेश का मतलब ये होता है कि महिला के अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों की कस्टडी महिला को दे दी जाती है, ये अभिरक्षण का आदेश हो गया। अगला आदेश मौद्रिक आदेश है। मौद्रिक आदेश में ये होता है कि महिला को कुछ अमाउंट की राशि आरोपी से दिलाई जाती है, क्योंकि महिला को खर्चा चलाना जब तक केस चलेगा तब तक। और अंतिम है क्षतिपूर्ति का आदेश। क्षतिपूर्ति का आदेश में आप ये समझेंगे कि महिला, मान लेते हैं कि ऐसा कि कहीं वो कोचिंग में पढ़ाते थे या कहीं पे पढ़ते थे या कोई जॉब करते थे कंपनी में, और फिर महिला को लगता है कि इस केस की वजह से उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, उसकी उनकी जॉब पर बुरा प्रभाव पड़ा है, वो जॉब करने जा नहीं रही है, 1 महीने की सैलरी 30,000 रुपये थी, पूरे महीने जॉब पर गए नहीं, 30,000 रुपये कट गए, तो फिर वो आरोपी से दिलाए जा सकते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं लिखवा देता हूँ एक बार, उसके बाद नेक्स्ट वाला एक्ट अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बता दिया वेथित महिला के बारे में, आप इन क्वेश्चन को लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं इनको, आपको मॉडल आंसर के रूप में दिलाएंगे आपको, और आप भी प्रयास कीजिए जैसा टूटा फूटा लिख सके वैसा लिख लीजिए। व्यथित महिला, व्यथित महिला 15 वर्ड में आ सकता है आपके। दूसरा लिखिए घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा ये भी 15 वर्ड में आ सकता है। तीसरा लिखिए आप घरेलू नातेदारी या घरेलू संबंध या घरेलू नातेदारी, 15 वर्ड में लिखना है। चौथा क्वेश्चन लिखिए संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। अगला क्वेश्चन लिखिए 50 वर्ड में लिखना, 50 शब्द में। अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत शिकायत प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। शिकायत प्रक्रिया, ये भी आपको 15 शब्द में या 50 शब्द में लिख सकते हैं। और चौथा जो क्वेश्चन है वो आप ये लिखिए, आप ऐसा लिखेंगे सुनवाई के दौरान, ये मैं इम्प्लाइड है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 न्यायाधीश द्वारा दिए, मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश, मजिस्ट्रेट आदेश, 50 शब्द में लिखना है। देखिए बहुत जोर आएगा एक बार लिखते, आप इनको छोड़ ही देंगे मुझे पता, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जिन्होंने ये कर लिया वो बन जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया उनकी थोड़ी दिक्कत आएगी, शुरू में दिक्कत आती है, पेन ही नहीं चलेगा आपका, क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी लिखो। जैसे लिखा हुआ है व्यथित महिला, व्यथित का मतलब पीड़ित होता है, क्या है उसमें लिख देना, ऐसी महिला जो जो पीड़ित है, किससे, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, खत्म। इतना लिख दिया तो भी आधे नंबर आ जाएंगे। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा का मतलब आप अपने दिमाग में यूजुलाइज कीजिए, अपने गांव में कोई ऐसी महिला जिसको मारपीट करते हैं जिसके साथ में, या फिर हो सकता है जिसको मौखिक रूप से गाली दी जाती है, हो सकता है कि उसको घर में कमरे में बंद करके रखा जाता है, तो उसका आर्थिक उत्पीड़न हो सकता है, उसका शारीरिक उत्पीड़न हो सकता है, उसका लैंगिक उत्पीड़न हो सकता है, मौखिक उत्पीड़न हो सकता है। संरक्षण अधिकारी, घरेलू नातेदारी क्या है? आप जिसके साथ अपने घर में अपन सारे लोग रहते हैं, अपन सारे घरेलू नातेदारी में रहते हैं, अर्थात एक साझी गृहस्थी के रूप में दो या अधिक व्यक्ति एक साथ एक घर में रहते हैं, घरेलू नातेदारी है।
और इसमें कोई भी संबंध हो सकता है, कुटुंब का संबंध हो सकता है, रक्त संबंध हो सकता है, दत्तक संबंध हो सकता है। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, लिखिए धारा 10 के धारा 9 के तहत संरक्षण अधिकारी क्या कर्तव्य होंगे। महिला अगर उसके पास जाती है तो हो सकता है कि वो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, वो सब दे देगा। चोट लगी है तो मेडिकल में इलाज करवा देंगे। शिकायत करना चाहती है तो पुलिस में लेके चले जाएंगे। पुलिस में गए तो मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे कि महिला आपके पास किस स्थिति में आई, क्या हुआ, तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे और मजिस्ट्रेट साहब को देंगे। महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, भविष्य में ऐसी घटना होती है तो आप ये कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में शिकायत की प्रक्रिया क्या है, तो आप कहते हैं कि साहब शिकायत या तो महिला स्वयं कर सकती है या फिर महिला की तरफ से कोई अन्य शिकायत कर सकता है, संरक्षण अधिकारी भी शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत वैसे जनरली लिखित रूप में शिकायत की जाएगी और शिकायत के बाद में पहली सुनवाई 3 दिन में कर ली जाएगी और केस का निपटान 7 दिन में 60 डेज में कर लिया जाएगा। और इसके दौरान काउंसलिंग भी की जा सकती है, मामले की रिकॉर्डिंग भी करवाई जा सकती है। क्लियर। मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या आदेश दे सकते हैं, 5 आदेश आपको याद रखने। एक अभिरक्षण का आदेश है, एक निवास का आदेश है, एक कस्टडी अभिरक्षा का आदेश है, एक मौद्रिक आदेश है, क्षतिपूर्ति का आदेश है। क्लियर हो गया टॉपिक। ये तो एक 6 क्वेश्चन इसको लेकर बेसिक। सातवां क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सातवां क्वेश्चन ऐसे लिखें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सकारात्मक व नकारात्मक बिंदु लिखिए। अर्थात डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हुआ उसके पॉजिटिव साइड क्या क्या है और नेगेटिव साइड क्या क्या है। पॉजिटिव में महिलाओं को सुरक्षा मिली है, महिलाओं में जागरूकता आई है, समानता आई है, और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं कम हुई हैं, महिलाओं को भी समान अवसर मिले हैं। नेगेटिव पक्ष आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव पक्ष लिख सकते हैं साहब इस एक्ट का पहली बात तो दुरुपयोग किया जाता है, कुछ टेक्निकली भाषा बहुत कलिष्ठ है, जागरूकता का महिलाओं में अभाव है, या फिर सरकारी नीतियों या सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो इस प्रकार की है कि वो महिलाओं को उनका प्रॉपर फायदा नहीं मिल पाता। जैसे कैसे कि जैसे इसमें जो शिकायत की प्रक्रिया है वो बहुत साधारण शिकायत की प्रक्रिया बनाई गई है, पर प्रशासनिक उदासीनता के चलते ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। अगला लिखिए 8वां, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट के प्रमुख प्रावधान लिखिए। प्रमुख प्रावधान लिखिए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी 50-50 शब्दों में आपको लिखना है, 50 में 50 में। एक क्वेश्चन नो, डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट को प्रभावी बनाने हेतु आपके सुझाव। आपके सुझाव तो आप सारे वही लिखेंगे, जागरूकता, टेक मतलब डिजिटलाइजेशन का यूज करना, मामले की त्वरित सुनवाई करना, फर्जी केसेस नहीं है इसके लिए प्रॉपर जांच करना, ये सारे आप लोग लिख देंगे इस पे। और प्रमुख प्रावधान हो गए, प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। एक क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आपको लिखवाता हूँ कि भारत के संविधान में या भारत में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु लिख लीजिए, भारत में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए 50 शब्द में लिख लें, बड़ा क्वेश्चन है ये तो, 100-150 शब्दों का क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश कर कीजिए। भारत में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए हैं लिखिए। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे कि जैसे मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका तो ये कि नंबरिंग लगा के लिखिएगा कि ये प्रयास किए गए। अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन को और बेहतर ढंग से लिखना होता है तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, सबसे पहले लिखेंगे संस्थागत प्रयास या संवैधानिक प्रयास, संवैधानिक प्रयास। दूसरा लिखेंगे कानूनी प्रयास, कानूनी। तीसरा लिखेंगे योजनागत, योजनागत।
और चौथा लिख देंगे संस्थागत प्रयास, ये भी एक तरीका। जब भी आप किसी क्वेश्चन को ऐसे देखें तो आपको इस प्रकार से लिखना है उसको, कैसे, संवैधानिक प्रयास, कानूनी प्रयास और योजनागत प्रयास और संस्थागत प्रयास। इसको समझे आप, संवैधानिक प्रयास में आपको ये लिखना है कि भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। शुरुआत प्रस्तावना से कर देनी है, कैसे, प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ हम शब्द, हम शब्द का मतलब भी महिला पुरुष दोनों हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं समानता की बात की गई है, तो प्रस्तावना का हम शब्द है वो महिला डिग्निटी के लिए है। दूसरा आप लिख सकते हैं मूल अधिकार, जिसमें समानता का मूल अधिकार है, समूल अधिकार है, मूल अधिकार लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे आर्टिकल 42, 42, 42 का काफी शानदार आर्टिकल है जो महिलाओं को प्रोटेक्शन की बात करता है। उसके बाद आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं साहब फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य पांचवें नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो महिला गरिमा की बात करता है। उसके बाद में आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि साहब पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है, आरक्षण दिया गया है, 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात याद आती है तो आप वहां पे लिख सकते हो, वैसे तो इतना स्कोप बचेगा नहीं इसको लिखने पर। कानूनी प्रावधान में कौन कौन से प्रावधान लिखेंगे आप, दो प्रावधान तो आपको मैं पढ़ा ही रहा हूं, एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है, एक अगला एक्ट आपको कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, आज पढ़ने वाले दो एक्ट हो गए। तीसरा, तीसरा ऐसा कौन सा आपको लो है जो लगता है कि एक समान मजदूरी संहिता का कानून बनाया गया है। इसके बाद में मेटर्निटी रिलीफ 2016 का एक कानूनी प्रावधान वापस बनाया गया है। इसके बाद में दहेज निवारण अधिनियम 1961 महिलाओं के लिए बनाया गया है। योजनागत प्रयास में कुछ योजनाओं के नाम लिख दीजिए, जैसे महिलाओं के लिए जो भी योजना आपको दिमाग में आ रही है, जैसे मेरे के दिमाग में आ रहा तो एक सी बॉक्स का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया कि जो भी डिपार्टमेंट में महिलाएं रहती हैं तो अपनी शिकायत सी बॉक्स के माध्यम से कर सकती हैं। एक पैनिक बटन का प्रावधान किया गया है गाड़ियों में, ट्रेन में, इस प्रकार का, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो जाए। इसके अलावा आपने जैसे मान लीजिए भामाशाह योजना पढ़ी है, उसके बाद में जनधन जैसी योजना पढ़ी है, बालिका सशक्तिकरण योजना पढ़ी है, जननी सुरक्षा योजना पढ़ी है, इसके बाद में आप जो भी और कुछ योजनाएं याद आ रही, मैं सारी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पे लिख लीजिए। संस्थागत प्रयास में कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए गए जिसमें कुछ एनजीओज के नाम आप लिख सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल कुछ कन्वेंशन जहाँ पे भारत ने सिग्नेचर किए हैं वहाँ पे अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं कि महिलाओं के लिए नारी निकेतन, जो नारी निकेतन संस्था है उनका गठन किया गया है। उसके बाद में सखी सेंटर्स बनाए गए हैं, तो ये ऐसा लिख के फिर अपने उत्तर को कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, आप लोग इसको लिखिए। मैं इसको लिखने बैठूंगा तो कुछ और पॉइंट मेरे याद आएंगे, उसको लिख के फिर आपको मॉडल आंसर के रूप में तो देंगे ही है। जितने 10-11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सारे आपको मिलेंगे, और उसके बाद वापस क्लास करेंगे इसकी, वापस से कैसे लिखते हैं इसके आंसर को कंप्लीट। अपने जितना सिलेबस मैं कंप्लीट करा रहा हूँ उसमें आपको फिर वापस कुछ नहीं करना है, केवल सुनते जाइए लिखते जाइए। अब आज एक एक्ट तो अपने कर लिया महिलाओं को लेकर, याद कीजिए अपने सिलेबस को, महिलाओं को लेकर दो एक्ट थे, एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण 2005, और अगला जो एक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा से संरक्षण 2013। क्या लिखेंगे, ये अपना सिलेबस है, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण 2013 का एक्ट है। तो एक महिलाओं के लिए कौन सा एक्ट पढ़ा आपने, घरेलू हिंसा से महिलाओं को किस प्रकार से संरक्षण दिया जा सकता है, और दूसरा एक्ट कौन सा है, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से किस प्रकार से संरक्षण दिया गया है। क्लियर, ये दूसरे नंबर का एक्ट है, आज इस पर अपन बात करने वाले हैं। आज और कल 2 दिन क्लास लेगी, फिर उसके आंसर कर लेंगे ताकि आपके क्लियर हो जाए। इस एक्ट को बेसिक से समझना, लिखना तो ठीक है दरवाजा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है महिलाओं को किस प्रकार से संरक्षण दिया गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। बहुत ध्यान से इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए घर में महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी, इसके लिए एक्ट बना दिया, कौन सा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब महिलाएं अगर घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पे महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो,
कार्यस्थल का मतलब क्लियर करके बताऊंगा मैं आपको, घर से निकलने के बाद में, चाहे बस हो, चाहे बस स्टॉप हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कोई कॉल सेंटर हो जहाँ पे महिलाएं काम करती हो, कोई कंपनी हो जहाँ पे महिलाएं काम करती हो, कोई दुकान हो जहाँ पे महिलाएं काम करती हो, काम करे या नहीं करे, महिला आगंतुक भी हो सकती है। महिला जैसे मान लेते हैं कोई सामान लेने के लिए दुकान पर गए और वहाँ पे इस प्रकार की छेड़छाड़ होती है महिला के साथ में, तो कार्यस्थली है, महिला का थोड़ी, कार्यस्थल किसी का भी है पर है तो कार्यस्थली। तो इसका मतलब यह है कि महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण। इस एक्ट को लेकर एक भ्रांति है, भ्रांति ये कि साहब ये उन्हीं महिलाओं को संरक्षण देगा जो काम करती हैं कहीं पे, ये गलत बात है। ये सभी महिलाओं को संरक्षण देता है जो कहीं भी जाती हैं घर से बाहर, ये आपको दिमाग में बैठाना है। ऐसा क्वेश्चन आपको आरएस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, तो ये कामकाजी महिलाओं के लिए है या गैर कामकाजी महिलाओं के लिए? तो अब ऐसे तो फिर भेदभाव हो जाता ना, मान लेते हैं ये कानून उन महिलाओं को संरक्षण देता जो काम करते हो। अब एक ऐसी महिला को याद कीजिए जो काम नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं, पर मान लेते हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने और लेकर आते हैं, वो कहीं काम नहीं करते हैं, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और वापस लेके आते हैं, स्कूल में महिला के साथ किस प्रकार की वो घटना घटती है, तो क्या इस एक्ट के दायरे में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आपको याद रखना है। बहुत न्यूट्रल अगर देसी भाषा में आपको मैं बताऊं तो याद रखना है कि महिला अगर घर से बाहर निकलते हैं, कहीं भी घर से बाहर निकले, उनके साथ में अगर कुछ भी इस प्रकार की घटना होती है, तो वो आता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण 2013। इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, ये अधिनियम लाया ही क्यों गया? अभी आपको कुछ नहीं लिखना, केवल आपके दिमाग में एक थीम क्रिएट करनी है ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ये अधिनियम क्यों लाया गया? देखिए बात 1990 के दशक की है, 1992 के आसपास की। राजस्थान में भंवरी देवी, एक महिला भंवरी देवी नाम की एक महिला थी। एक भंवरी देवी का केस जो 2012 13 15 के आसपास चर्चा में रहा, वो नहीं मामला है। ये भंवरी देवी अलग, वो भंवरी देवी अलग, समाज सेविका थे भंवरी देवी। वो उनके साथ में इस प्रकार की यौन उत्पीड़न की घटना घटी और फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई भंवरी देवी और कुछ महिलाओं ने। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, 92 का मामला था, 97 तक आते थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत में जो कानून है अभी, वो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने में असफल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। रिवर्स चल के वापस समझाता हूं, आप भूल जाइए कोई महिला थी क्या थी, नाम याद रहता है कि नहीं रहता, एक बार थोड़ा देसी भाषा में समझ लीजिए। एक महिला थी भंवरी देवी नाम की, उनके साथ में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना हुई, उनके साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ की घटना हुई यौन उत्पीड़न की। इस प्रकार का तो कोई आपके पास अधिनियम ही नहीं था उस टाइम में, 1992 के आसपास में, तो कोई एक्ट ही नहीं है जिसके तहत आप मुकदमा दर्ज कराओ। बात समझ में आ गई ना? तो 1993-94 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई और 97 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उन महिलाओं ने पीआईएल लगाई, भंवरी देवी उनके साथ में कुछ और महिलाएं थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत में अभी ऐसा जो कानून है, वर्तमान कानून भी, वर्तमान वर्ड आज के लिए नहीं, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का वर्तमान कानून महिलाओं को, भारत का वर्तमान कानून महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल है। भारत में ऐसा कोई कानून है ही नहीं प्रभावी। बात समझ में आ गई? सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को रेस्पेक्टिवली, इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाना चाहिए जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करें। क्लियर? पर अब एक्ट एक दिन में नहीं बनते, आपको पता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी, विशाखा गाइडलाइन, बताता हूं थोड़ा सा। विशाखा गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जब तक कानून नहीं बनते हैं इसको लेकर, तब तक इन गाइडलाइन के तहत ये मामला होगा। क्लियर हो गया क्या? अर्थात तो महिलाओं को संरक्षण इन गाइडलाइन के तहत मिलेगा। फिर सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2013 में एक अधिनियम पास किया इन्हीं गाइडलाइन को आधार बनाकर, नाम था महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण 2013। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात, ये तो बना अधिनियम, बैकग्राउंड क्या था? आपको मान लेते हैं किसी को बताना हो, कुछ लिखना हो, तो ऐसा लिख लीजिए 1990 के दशक में, अभी लिखना नहीं, लिखवाऊंगा बाद में, 90 के दशक के आसपास भंवरी देवी नाम की महिला थी,
उनके साथ में यौन उत्पीड़न की घटना घटी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कानून बनाओ ताकि महिलाओं की सुरक्षा होए, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी, विशाखा गाइडलाइन के नाम से वो फेमस हुई। और जब तक कानून नहीं बनता तब तक इन गाइडलाइन के तहत महिलाओं की सुरक्षा होएगी। फिर 2013 में सरकार ने कानून बनाया जिसका नाम है महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, ये कानून बन गया। क्लियर। अब दूसरी बात, इस कानून में साफ साफ लिखा गया है कि सबसे पहले कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, ये पुरुषों के लिए नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी कार्यस्थल पर पुरुष के साथ में कुछ इस प्रकार की घटना घटती है, कोई भी करे, महिला करे, पुरुष करे, कोई भी, तो ये कानून पुरुषों को संरक्षण नहीं देता है। ठीक ऐसे ही जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं को ही सुरक्षा प्रदान कर रहा था, पुरुषों को नहीं दे रहा था। पहली बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि इस एक्ट में, पहले मैं एक्ट की पूरी कहानी बता दूं ताकि आपके दिमाग में पिक्चर आए, फिर सारी डिटेल से बात कर लेंगे। फिर इस एक्ट में एक बात अपन को ये भी ध्यान में रखनी है कि इस एक्ट में केवल जो संरक्षण दिया गया है वो महिलाओं को संरक्षण दिया गया है। इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर हैं और 30 धाराएं हैं। याद कीजिए पिछले में कितनी थी, पिछले में 5 और 37 थी, 5 चैप्टर 37 धाराएं। इसमें टोटल चैप्टर है 8 और उनमें धाराओं की संख्या कितनी है, टोटल 30 धाराएं। धारा इसमें कम है, चैप्टर ज्यादा, उसमें धारा ज्यादा थी, चैप्टर कम थे। सब में नहीं पढ़ना, बस एक आध एक्ट और है जिसमें धारा आपको याद करनी, फिर कुछ नहीं याद नहीं करना है, वो बेहद आसान हो जाएगा। इस एक्ट में कहा गया, साफ साफ लिखा गया है कि कर्मचारी कौन होगा, कर्मचारी की परिभाषा दी है। उसके बाद में नियोक्ता, जिसको आप नियोक्ता बोलेंगे, जहां पे काम पे रखा जाता है महिलाओं को, तो नियोक्ता कौन होगा, कर्मचारी कौन होगा, कार्यस्थल किसे बोलेंगे, कार्यस्थल की परिभाषा दी गई है। और चौथी परिभाषा यौन उत्पीड़न की दी गई कि क्या यौन उत्पीड़न में क्या क्या शामिल होगा। ये तो 4 परिभाषाएं हैं। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि प्रत्येक नियोक्ता को अपने विभाग में, जैसे मान लेते हैं आप कोचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, और अगर आपकी स्कूल में 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आपको आंतरिक जांच समिति का गठन करना पड़ेगा। इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया है, अर्थात प्रत्येक नियोक्ता को अपनी कंपनी में, जैसे कोई दुकान है, दर्जी की दुकान मान लेते, उसमें 10-12 लोग काम करते हैं, तो फिर उसको एक आंतरिक जांच समिति का गठन करना पड़ेगा। महिला के मान लो इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो पहले उस शिकायत आंतरिक जांच समिति को कर लेंगे, ये प्रावधान लिखा गया है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। आंतरिक जांच समिति का प्रावधान किया गया, मान लेते हैं कि आंतरिक जांच समिति का है तो प्रावधान नहीं है, तो फिर एक LCC, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, DM, जिले में LCC का गठन करेंगे, लोकल कंप्लेन कमेटी। स्थानीय जांच समिति का गठन कौन करेंगे, DM करेंगे, जिला कलेक्टर करेंगे। उसके बाद में शिकायत की प्रक्रिया है कि शिकायत कैसे की जा सकती है, तो महिला लिखित में शिकायत करेंगे अंतिम घटना के 90 दिन में, जैसे मान ले कि घटना आज घटी तो 90 दिन, 3 महीने तक महिला शिकायत कर सकते हैं। शिकायत लिखित में की जाएगी, आरोपी का पूरा विवरण ब्यौरा देना पड़ेगा, मामला मजिस्ट्रेट साहब के पास में जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब महिला के आग्रह पर, अगर महिला खुद चाहती है, शिकायत तो कर दी पर महिला अब चाहती है सब, मैं इस मामले को विड्रॉल करना चाहती हूँ, समझौता करना चाहती हूँ, तो फिर धारा 10 में लिखा गया कि आप समझौता कर सकते हैं, पर समझौता महिला की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा। इसका आधार आर्थिक नहीं होगा कि आरोपी महिला को कहेगी आपको 2 लाख रुपए देते हैं, मामला विड्रॉल कर लीजिए, ये लिखा गया अधिनियम में। मान लेते हैं मामले को विड्रॉल नहीं किया गया तो फिर इस पर जांच चलेगी, जांच के दौरान क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। अगर इंटरनल कमेटी या LCC के पास मामला है तो आरोपी का ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरी जगह, महिला का ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह किया जा सकता है ताकि आरोपी उसको परेशान नहीं करे। उसके बाद में महिला को अवकाश दिया जा सकता है, वेतनिक अवकाश की आप ओके थोड़े दिन अवकाश पर रहे ताकि जांच प्रभावित नहीं हो जाए। इसके बाद में फाइनली ऑर्डर आ जाता है, आदेश आ जाता है आंतरिक जांच समिति का या LCC का, और इसकी एक रिपोर्ट DM को दे देनी पड़ती है। याद रखिए ये दोनों जो अधिनियम पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि सर इसमें आप सजा तो बता नहीं रहे हो, क्या सजा होगी, देखिए इन दोनों ही अधिनियमों में सजा नहीं लिखी गई है, सजा ये प्रक्रिया है, केवल प्रोसीजर है। सजा के प्रावधान IPC में, इंडियन पिनल कोड में लिखे गए, यहाँ पे सजा नहीं है, याद रखिए ये केवल प्रोसीजर है कि क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है अगर इस प्रकार का कोई मामला होता है। तो ओवरऑल बेसिक आइडिया तो ये लेना आपको किस एक्ट का, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, ठीक है, एक बेसिक आइडिया आया होगा। कुछ भी नहीं समझा तो एक चीज जरूर याद रख लीजिए कि इसका मतलब यह है कि जो महिलाएं घर से बाहर जाती हैं, घर में हैं और छेड़छाड़ होती है,
तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना दिया, घर से जैसे ही बाहर निकली। पर याद रखिए, घर से बाहर निकले और हस्बैंड ने पिटाई कर दी, मान लेते हैं घर के बाहर भी, तो फिर मामला डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का ही बनेगा। क्योंकि क्या बताया मैंने आपको, घरेलू नातेदार वर्ड आपको यूज करना है, क्योंकि वो तो उसका सगा संबंधी हुआ, उसने पिटाई करी है। हो सकता है वाइफ और हस्बैंड दोनों बच्चे को स्कूल से लाने गए, वहीं लड़ाई हो गई, हस्बैंड ने महिला को पीट दिया, तो फिर वो कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का मामला नहीं होगा दर्ज, वो तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही बनेगा 2005 वाला। क्लियर हो गया क्या? चलिए लिखिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं हेडिंग का, ये महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, ये एक्ट का नाम है। मैं लिखता हूं इसको, महिलाओं का महिलाओं को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, ठीक है साहब, महिलाओं को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण। अब अगली बात लिखिए, अधिनियम 2013, इसके बाद में लिखिए, इस अधिनियम में 8 अध्याय हैं, वह 30 धाराएं महिलाओं को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण। लिखिए, इस यह अधिनियम 2013 का है, इस अधिनियम में 8 अध्याय हैं और 30 क्या है, धाराएं हैं। अब इसको याद करने का तरीका वैसे तो बड़ा स्टूपिड सा तरीका है, मैंने मतलब इस प्रकार से किया कि इस प्रकार याद हो सकता है। ऐसे मान लो 2013 का एक्ट है, 2013 ऐसा एक्ट है, अब आप सोचेंगे कि ये कोई तरीका होता है क्या, इसको मैंने ऐसे समझा कि ये 8 है और ये 10 इधर रख दिया। अब हो सकता है ये तरीका कोई बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो, पर हाँ जब भी 2013 का लिखेंगे तो आपको ये जरूर याद आ जाएगा कि 8 और 30 है, तो इसको तो अपन को 8 समझना है और इसको अपन को 30 समझना है, तो 8 तो चैप्टर है और 30 इसमें क्या है, धाराएं बनाई गई है। क्लियर हो गया, वही कल वाली बात, आप धाराएं याद करेंगे, चैप्टर भी याद करेंगे, ताकि थोड़ा सा ये लगे कि लो पढ़ रहे हैं ऐसा, बाकी तो काम नहीं आएगा जीवन में कहीं भी, थोड़ा सा लिख लीजिए। तो 8 और 30 आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन हेडिंग लगाएंगे कि कौन से चैप्टर में कौन सी बात लिखी गई है, तो सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे, ऐसे हेडिंग लगाइए, इधर लिखेंगे अपन, यहां पे लिखिए अध्याय, यहां पे लिखेंगे उसकी विषय वस्तु, विषय वस्तु, और यहां पे लिख लेंगे अपन धारा, धारा, धारा। तो पहला लिखेंगे अध्याय नंबर 1, अध्याय 1, अध्याय फर्स्ट। अब आपको एक चीज जरूर याद है कि पहला अध्याय किस संबंधित होगा, ये प्रारंभिक होगा, कि कब से अधिनियम प्रारंभ होगा और कहां पे अधिनियम का क्षेत्र होगा। तो पहला लिखिए प्रारंभिक, प्रारंभिक, और इसमें जो धारा है वो 1 से लगाकर 3 तक है। उसके बाद में अध्याय नंबर 2 लिखिए, अध्याय 2, और इसमें लिखिए आंतरिक आंतरिक शिकायत समिति, इसका नाम है इंटरनल कंप्लेन कमेटी। देखिए एग्जाम के लिए आपको मैं टिक मार्क रहा हूं तो ये काफी काम का, इसको आपको एग्जाम के लिए मोस्ट लगा के लिखना है। और इसकी जो धारा है वो धारा है 4, धारा 4, धारा को रेड पेन से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा ठीक लगे, धारा 4। उसके बाद में अध्याय नंबर 3, वापस अध्याय 3,
यहां पे लिखिए स्थानीय शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति। इसमें याद रखना आपको 5 से 8, 5 से 8। उसके बाद में अध्याय नंबर 4 इसमें लिखिए शिकायत। इसमें क्या लिखेंगे आप? शिकायत। और शिकायत में लिखिए 9 से 11, 9 से 11। एक बार इसको उतार लीजिए, अगले वाले पेज पे और लिखेंगे। याद करने का थोड़ा सा प्रयास करना। मान लो कोई बच्चा चाहता है कि सर मेरे याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको मैंने आपको एक बता दिया कि एक याद करना, एक ये और एक ये। अगर मान लेते कोई ये कि सर मेरे इतना भी याद नहीं होता, तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको ये तो जरूर याद करके चलना। इसमें अब कोई सहूलियत नहीं है कि एक तो आंतरिक शिकायत समिति जो धारा 4 में है, और एक स्थानीय शिकायत समिति जो 5 से 8 तक लिखी गई है। ये तो जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि स्थानीय जांच समिति कहां पे है और आंतरिक जांच शिकायत समिति कहां पे है। ठीक है, इसके बाद में अपन लिखेंगे अध्याय 5 शिकायत की जांच। अध्याय 5 शिकायत की जांच। धारा लिखेंगे 12 से 18, 12 से 18। उसके बाद में अध्याय लिखेंगे 6, अध्याय नंबर 6, और उसमें लिखेंगे नियोक्ता के कर्तव्य, और इसमें अपन धारा लिख लेंगे 19 19। उसके बाद में अगला लिखेंगे अध्याय 7, इसमें लिखेंगे जिलाधिकारी के कर्तव्य, जिलाधिकारी के कर्तव्य। इसमें लिखेंगे धारा 20, और अंतिम आपको 8 याद है, 8। इसमें आप लिखेंगे विविध, 21 से 30 आप लिख लीजिए। देखिए अगर आपने नहीं लिखा तो मैं पहले बैक कर देता हूं, आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि आप आराम से इसको लिख डालें। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है ऐसे अध्याय, देखो याद करना है, थोड़ा सा याद करेंगे एक दो बार दिक्कत आएगी, पर फिर आपको नए नोट्स में कुछ नहीं देखना पड़ेगा, यहां से आपके क्लियर हो जाएगा। तो अध्याय 1, इसमें लिखा गया प्रारंभिक, धारा 1 से 3। ठीक है, प्रारंभिक धारा 1 से 3। उसके बाद में लिखेंगे आप आंतरिक शिकायत समिति। अध्याय नंबर 2 में क्या लिखेंगे? आंतरिक शिकायत समिति किसमें लिखी गई है? धारा 4 में। अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे आंतरिक शिकायत समिति, इंग्लिश मीडियम से है तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी लिख सकते हैं, और वहां पे लिखना आपको धारा 4। तो मान लेते हैं कि एग्जाम में है कि आंतरिक शिकायत समिति के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? धारा 4 के तहत, ऐसा ही तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, धारा 4 के तहत आंतरिक शिकायत समिति। फिर लिखेंगे स्थानीय शिकायत समिति, तो आंतरिक के बाद में लिखेंगे स्थानीय शिकायत समिति, और स्थानीय शिकायत समिति है वो अध्याय 3 में, और धारा है वो 5 से 8 है। उसके बाद में लिखेंगे शिकायत, शिकायत 9 से 11 के बीच में है। उसके बाद में
अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसमें लिखेंगे शिकायत की जो जांच होगी वो अध्याय 5 में है और 12 से 18 तक है। फिर 6 में अपन क्या लिखेंगे, 6 में नियोक्ता के कर्तव्य, 19 में धारा 19, और उसके बाद में जिला अधिकारी कर्तव्य, 7 में 20 धारा 20 में, और उसके बाद में अंतिम अपन क्या लिख लेंगे, विविध लिख लेंगे जो कहां से कहां तक है, 21 से 30 तक। क्लियर हो गया, ये अपना एक पार्ट हो गया, पार्ट इन द सेंस अपने बेसिक डिटेल हो गई इस अधिनियम को लेकर, तो आपके ओवरबर्डन नहीं हुआ होगा, आप लोग लिख लीजिए। अब अपन अब जो अपन शुरुआत करने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं, वो थोड़ा सा आगे बेसिकली रखेंगे। अब एक एक चैप्टर में क्या क्या लिखा गया उसके बारे में अपन बात करते हैं, ये आपने उतार लिया होगा। अब इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला अपन को बिंदु पढ़ना है, वो पढ़ना है व्यथित महिला, वही पीड़ित महिला। लिखिए क्वेश्चन, पीड़ित महिला। उसके बाद में लिखेंगे अपन कर्मचारी, कर्मचारी की परिभाषा। उसके बाद में अपन लिखेंगे नियोक्ता की परिभाषा, नियोक्ता की परिभाषा। उसके बाद में अपन चौथा क्वेश्चन लिखेंगे कार्यस्थल की परिभाषा, कार्यस्थल की परिभाषा। तो चार तो अपन को परिभाषाएं पढ़नी है ताकि आपके एक्ट क्लियर हो जाए। पीड़ित महिला किसे कहा जाता है? अब बहुत घटिया सा क्वेश्चन बन गया ना, पीड़ित महिला, ऐसी महिला जिसके साथ में इस प्रकार की घटना हुई हो, यौन उत्पीड़न की घटना हुई हो, वो पीड़ित महिला कहलाती है। कर्मचारी, कर्मचारी किसे कहा जाता है उसके बारे में बता देंगे, स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, या फिर प्रशिक्षु, या फिर दैनिक मजदूरी वाले। नियोक्ता की क्या परिभाषा हो सकती है? नियोक्ता एक परिभाषा हो सकती है जो कार्य देता है, काम देता है। अब नियोक्ता में ऑफिस इंचार्ज हो सकता है, या फिर प्राइवेट कंपनी का जो वहां पे जो संभालता है वो हो सकता है। कार्यस्थल क्या क्या हो सकता है? ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, गोदाम हो सकता है, स्टेडियम हो सकता है, जिम हो सकता है, या फिर अन्य कोई भी ऐसा स्थल जैसे डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल हो गया, नर्स के लिए हॉस्पिटल हो गया, या फिर अन्य कहीं पे भेजा जाता है महिलाओं को काम के लिए, वो उनका क्या हो सकता है, कार्यस्थल। इसके बाद में यौन उत्पीड़न में क्या क्या आएगा? यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न की परिभाषा में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, यौन उत्पीड़न। आप ऐसे ही लिखिए, पीड़ित महिला, कर्मचारी, नियोक्ता, कार्यस्थल, यौन उत्पीड़न। ये 15-15 शब्दों के क्वेश्चन है सारे। उसके बाद में लिखिए आईसीसी, आईसीसी इंटरनल कंप्लेन कमेटी, आंतरिक जांच समिति। उसके बाद में लिखिए एलसीसी, एलसीसी स्थानीय जांच, नहीं शिकायत, सॉरी शिकायत। उसके बाद में लिखिए स्थानीय शिकायत समिति। उसके बाद में अगला लिखिए शिकायत, शिकायत कैसे की जा सकती है, शिकायत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे समझौता, शिकायत के बाद में समझौता, और समझौते के बाद में अपन ऐसा लिख लेंगे जांच, इतना ही है। ठीक है, तो वापस से लिखवा देता हूं मैं, ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, पीड़ित महिला। उसके बाद में अपन लिखेंगे कर्मचारी, उसके बाद में नियोक्ता की परिभाषा, उसके बाद में कार्यस्थल की परिभाषा, उसके बाद में यौन उत्पीड़न, उसके बाद में आंतरिक शिकायत समिति, उसके बाद में एलसीसी स्थानीय शिकायत समिति, उसके बाद में शिकायत के बारे में, उसके बाद में समझौता इसके बारे में, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जांच के बारे में। समझ में आ गई बात? ये अपना टॉपिक रहेगा, इसमें कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही है। तो दो एक्ट आपके पूरे हो जाएंगे, फिर जो बच्चों के हैं इसमें ये शायद दोनों एक क्लास में हो जाएंगे, तो अब ज्यादा बड़ा है नहीं आपके सिलेबस, 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एंसर राइटिंग आप साथ में करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल। कल अपन किससे शुरुआत करेंगे? कल अपन शुरुआत करेंगे यहाँ वाले क्वेश्चन से, पीड़ित महिला, उसके बाद में कर्मचारी, नियोक्ता, कार्यस्थल, यौन उत्पीड़न, और आईसीसी, एलसीसी, शिकायत, समझौता और जांच। चलिए कल मिलते हैं अपन, तब तक आप रिवाइज कीजिए।